हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो के थ्रू एक बड़ा ही कमाल का शानदार सा ऑन डिमांड टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम्स को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपने एप्टीट्यूड कोर्स में। आज बात करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में और बहुत ही सिंपलेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन टाइप रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले कुछ बेसिक्स से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ इस टॉपिक के। तो यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं के गिर्द जो है आपके सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो है घूमने वाले हैं। तो सिस्टम्स यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक टैंक रिजर्वायर कंटेनर की, जहां पे हम अपना जो लिक्विड है या फ्लूइड है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर की हम बात करते हैं, उसे यहां पे स्टोर करने की हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज आवर सिंपल कंटेनर टैंक, ओके, दिस इज आवर टैंक। अब इस टैंक से रिलेटेड दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है कि ये टैंक के दो एक्सट्रीम स्टेट्स कौन कौन से पॉसिबल है, दो एक्सट्रीम स्टेट्स। तो पहला स्टेट है कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से पानी से भरा पड़ा है, ये एक स्टेट है। और दूसरा स्टेट है एम्प्टी, कुछ नहीं भाई साहब इसमें, ये दूसरा स्टेट है कि ये पूरी तरीके से एम्प्टी है, ये पूरा टैंक, इसके अंदर कुछ भी पानी नहीं है। तो ये वो दो टर्म्स है जो कि आपको बार बार लगातार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, और यहां पे ये है उनका सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग। अब यहां पे कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये टैंक है तो इसे फिल करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बंदोबस्त करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अगर मुझे फिल करना है, इस पर्टिकुलर टैंक को फिल करना है, तो यहाँ पे मैं पाइप्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बराबर है। यहाँ पे उसकी ये ओपनिंग है टैंक पे, और यहाँ से ये जो पाइप है ये क्या कर रहा है, पानी को टैंक के अंदर भरने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इनलेट। इनलेट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इनलेट का इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक पाइप लगा हुआ है जो कि मदद कर रहा है पानी को टैंक के अंदर भरने में, दैट इज ए इनलेट, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा और इस स्टेट पे अपन पहुंच जाएंगे, यानी कंप्लीटली वो फिल हो जाएगा, तो अपन ये ओपनिंग बंद कर देंगे, ठीक है। दिस इज वन थिंग, चलो फील्ड का तो समझ में आ गया, लेकिन एम्प्टी का भी तो कुछ मामला होना चाहिए, बराबर। एम्प्टी करने के लिए भी तो हमें क्या करना चाहिए, पाइप की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पाइप्स की बात कर रहे हैं, एक भरने में काम आता है, एक खाली करने में काम आता है। तो यहाँ पे एक और पाइप कंसिडर कर लेते हैं, ये उसकी ओपनिंग है। ये पाइप क्या कर रहा है, भरा हुआ कंटेनर जो है उसे एम्प्टी करने की कोशिश करता है, यानी कि सिंपली जो वाटर फ्लो है इस पाइप के थ्रू आपको बाहर जाते हुए दिखेगा, टैंक का पानी सीधा आउटवर्ड डायरेक्ट करने का काम जो है ये पाइप करता है। यहाँ पे इसे हम कह रहे हैं आउटलेट, ये आउटलेट है। आउटलेट मतलब क्या, एक तरीके से आपके टैंक के पानी को बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहा है। ये बेसिक टर्म्स हैं, ये एक बेसिक पिक्चर है, एक सिनारियो है जो आपको हर क्वेश्चन में रिलेटेड टू दिस टॉपिक देखने को मिल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बेसिक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रिमिटिव क्वेश्चन जो कि बड़े रेयरली पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को ये पता होना ज़रूरी है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और कॉम्प्लेक्सिटी करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे हर एक प्रॉब्लम क्वेश्चन टाइप के साथ। तो बेसिक चीज क्या है, व्हाट इज द बेसिक थिंग इज दैट कि अगर एक पाइप है, एक पाइप है जो ऑब्वियसली मेरे टैंक या कंटेनर या रिजर्वायर जो भी कहना है उससे कनेक्टेड है, ओके, वो अगर उस पर्टिकुलर टैंक को एक्स आवर्स में फिल कर रहा है, अगर वो उसे एक्स आवर्स में फिल कर रहा है दैट पर्टिकुलर पाइप, तो फिर हम कहते हैं पार्ट ऑफ टैंक, लेट्स से टैंक फिल्ड इन वन आवर विल बी हाउ मच, बराबर है कि नहीं, कि अगर वो पाइप पूरे टैंक को एक्स आवर्स में फिल कर रहा है कि इतने घंटे में भैया वो जो है एक्स, मान लो एक्स की वैल्यू 5, मतलब 5 घंटे में उस पाइप के थ्रू अपन उस टैंक को पूरा फिल कर सकते हैं, तो अभी सवाल पूछा जाता है कि कितना पार्ट, ओके, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन वन आवर, व्हाट इज द पार्ट दैट इज फिल्ड इन वन आवर। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है, जस्ट कंसिडर 1 बाय एक्स, दिस मच पार्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड इन वन आवर, यानी कि इस केस में अगर वो 5 घंटे ले रहा है, सो व्हाट इज द आंसर, 1 बाय 5, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। इसमें थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं कि मान लो यहाँ पे मैं 1 आवर की जगह क्वेश्चन में 2 आवर देता हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 बाय एक्स की जगह पे क्या होगा, 2 बाय एक्स होगा, दैट्स इट, 2 बाय एक्स होगा। यहाँ पे फिर आपका
2/5 होगा आंसर। एक और आगे स्टेप बढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर 3 hours है तो कुछ नहीं है यार, बस ये चेंज करते चलो, 3/x आंसर होगा 3/5, सिंपल। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो 4 कर देते हैं, 4 अगर करता हूँ तो यहाँ पे 4/x हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं 5 hours करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, यहाँ पे 5 करता हूँ, तो क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे 1 आता है, यानी कि होल मतलब पूरा टंकी भर चुका है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो अपने को बोला गया था वो क्या बोला गया था, पाइप 5 घंटे में उस पूरे टंकी को भर पा रहा है, तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ द टैंक दैट कैन बी फिल्ड इन 5 hours, द होल टैंक मैन, एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एज अ 1 हेयर। आई होप यू आर गेटिंग द सिंपल पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये बड़े बेसिक टाइप का क्वेश्चन टाइप है जो मैं आपके साथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में शेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि एक पाइप जो है वो एम्प्टी करने का काम कर रहा है, यानी हम लोग अभी आउटलेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा पाइप जो अपने जो पानी है टैंक के अंदर का उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स कंसिडर अ पाइप इज देयर जो आपके पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है टैंक से, तो वो वाई आवर्स में, लेट्स टेक सम अनदर वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल, एक्स की जगह वाई आवर्स में क्या कर रहा है, वो आपके उस टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी कर रहा है, कंप्लीटली एम्प्टी, पूरा का पूरा जो है उसको खाली करने की वो कोशिश कर रहा है इन वाई आवर्स। ओके, अब इससे रिलेटेड भी सेम क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्ट ऑफ द टैंक सिर्फ यहां पे फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, व्हेन दिस, ऐसा जब आपका क्वेश्चन का नेचर होगा तो पूछा जाएगा पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड इन लेट्स कंसीडर 1 hour, इनिशियली 1 hour में कितना हो सकता है, तो वो क्या होगा आंसर, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 1/x, 1/y। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, सिंपल एज दैट। ओके, और इसमें भी फिर वो वही डाल सकते हैं 2, 3, 4 एंड लाइक दैट। ओके, सारे वेरिएशन मैंने आपको यहाँ पे इस सिंपल क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड बता दिए हैं, सारे बेसिक्स यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।